हे माय फैमिली, आज मैं आपके साथ लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हमारे यूपी में कुछ इस तरह से बनती है। मैंने आटे में घी लगा के मोयन किया और उसके बाद कड़ा आटा गूंद लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बाटी बना के आपको दिखा रही थी आपको किस तरह हमारे यहाँ बनता है यूपी में। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और ये काफ़ी इजी होता है। मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया था और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको सेकना होता है और बार बार आप पलटते रहिएगा, काफ़ी अच्छा बन जाता है। मैंने बनाया तो इसे बनने में 20 मिनट लगे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर रही थी। चने की दाल हमारे यहाँ बनती है। तेल गरम करके उसमें लहसुन प्याज सब भून के मसाला डाल के आपको दाल फ्राई कर लेनी होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चोखा। चोखा में आलू बॉईल कर लीजिए। उसके बाद बैंगन, टमाटर और एक सूखी मिर्ची को आपको भून के डालना है। सूखी मिर्ची ज़रूर डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन, नमक, सरसों का तेल, नींबू, ये ज़रूर डाल के आपको मिक्स कर लेना है। हमारी थाली रेडी हो गई है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।